गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच रेस्ट पोर्शन ऑफ लेसन 5. नाउ लर्निंग पॉइंट, फूड प्रिजर्वेशन, कैनिंग एंड बोटलिंग, ड्राइंग, रेफ्रिजरेटिंग, डीप फ्रीजिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट. फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण. फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डीके और स्पॉइलेज ऑफ फूड सो दैट इज मे बी फिट फॉर कंजम्पशन लेटर. भोजन का संरक्षण भोजन को खराब होने से रोकने का प्रतिक्रिया है, ताकि बाद में इसका उपयोग या सेवन किया जा सके. सम फूड सच एज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन पार्टिकुलर सीजन्स एंड नॉट इन अदर्स. कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि मौसमी फल और सब्जियां एक विशेष मौसम में उपलब्ध होते हैं, पूरे साल उपलब्ध नहीं होते हैं. हेंस वी प्रिजर्व फूड so that is can be consumed at another time. इसलिए हम भोजन को संरक्षित करते हैं ताकि इसे दूसरे समय में खाया जा सके. There are a number of ways in which we can preserve food so that is may be consumed at another time. ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम भोजन को संरक्षित कर सकते हैं ताकि किसी अन्य समय में इसका सेवन किया जा सके. नाउ कैनिंग एंड बोटलिंग. मेकिंग जैम्स, पिकल्स एंड सॉसेज इज ए गुड वे टू प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जैम, अचार और सॉस बनाना फल और सब्जियों को संरक्षित करने का अच्छा तरीका है. ड्राइंग फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, एप्रिकोट्स एंड प्लम्स कैन बी ड्राइड. फल जैसे अंगूर, खुबानी और बैर को सुखाया जा सकता है. रेफ्रिजरेटिंग वी यूज रेफ्रिजरेटर्स इन आवर होम टू स्टोर फूड आइटम्स. हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए करते हैं. द लो टेम्परेचर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्टेल एंड फ्रॉम रोटिंग. रेफ्रिजरेटर का तापमान भोजन को वासी होने और सड़ने से रोकता है. डीप फ्रीजिंग इफ वी फ्रीज सर्टेन फूड आइटम्स वी कैन प्रिजर्व देम फॉर ए लॉन्ग टाइम. यदि हम कुछ खाद्य पदार्थों को फ्रीज करते हैं तो हम उन्हें लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं. चैप्टर इज ओवर. कम टू द सम क्वेश्चन आंसर. री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली. इस सेंटेंस को करेक्ट करना है. क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर एनर्जी गिविंग फूड. आंसर, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. बी, कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस मोर एनर्जी than the sum amount of fats. Answer, carbohydrates give us less energy than the same amount of fats. Now question C, eating cakes is a good way of getting roughage in your diet. Right answer, eating fruits and vegetables are good way of getting roughage in your diet. Now question number D, we preserve food so that it gets spoiled. Answer, B, preserve food so that it gets edible for a long time. Question number E, carbohydrates are essential for a stronger teeth and bones. Answer, vitamin D,
विटामिन डी आर एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्गर टीथ एंड बोन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट्स. ये शॉर्ट नोट्स लिखना है. फर्स्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प अस टू बिल्ड द बॉडी एंड मेक न्यू सेल्स. दे ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स एंड आवर बॉडी एंड ऑफ आवर बॉडी. फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, फिश, चीज एंड पल्सेस कंटेन्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कंटेन्स फूड आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. नाउ फैट्स. फैट्स गिव अस विथ ट्वाइस एंड मच इनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स. वी कैन स्टोर एक्स्ट्रा फैट्स इन आवर बॉडी टू बी यूज्ड लेटर. फूड आइटम्स लाइक बटर, घी एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्जी गिविंग फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फाइबर. फाइबर इज प्रेजेंट इन द फूड वी ईट. इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी एंड इट हेल्प्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. ए स्किन ऑफ फ्रूट्स एग्जाम्पल एप्पल, ग्वाभा, पियर, इटीसी कंटेन्स ए लॉट ऑफ वाटर. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. इट हेल्प्स मेकिंग सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड डिक्रीजिंग वेस्टेज ऑफ फूड एज सरप्लस फूड कैन बी प्रिजर्व. इट ऑल्सो हेल्प एडिंग वेराइटी टू द डाइट. थैंक यू. क्लास इज ओवर. सी यू अगेन.